पद्मिनी छोड़ी वर्तमान सांसद जी को, और उसके बदले में 10 साल जो है जनता को कुछ नहीं मिला। उन्होंने स्वयं अपना काम निकाला, खुद घूमते रहे, एक टोली थी उसने अपना एक काम किया, सब व्यापारी बन के सब लोगों ने काम किया। जालौर सिरे की जनता या उसके विकास के संबंध में किसी ने कभी भी कोई भी बात नहीं उठाई। इसलिए हम लोग इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ये भी बताएंगे कि किस प्रकार का इनका 10 साल का कार्यकाल हुआ है। आपने जातिवाद के नाम पे बदनाम किसी और को कर दिया छुपाने के लिए, मगर 10 साल से आप लोगों ने क्या किया? ये जातियों की जो लड़ाई हो गई है, जो द्वेष भावना पैदा हुई है, वो इनकी डाली हुई नींव है। और ऐसे कई उदाहरण है जो आने वाले समय में हम बताएंगे कि अलग अलग जातियों को आपने झगड़ा दिया, आपने उनके वहाँ पुलिस भेज दी, आपने बिना मतलब ऐसे लोगों को परेशान कर दिया, अपमानित करने की उन लोगों को कोशिश की, और विकास के मामले में शून्य रहा, एक उपलब्धि नहीं है जालौर सिरोही के बारे में वो बता सके। तो 10 साल का जो कार्यकाल था, बहुत बड़ा कार्यकाल होता है एक सांसद के रूप में, पर उसमें भी अगर आप प्रदर्शन नहीं दिखा पाओ तो केवल जनता वोट दे और आप जीत के चले जाओ और फिर सब अपना अपना काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। आप युवा चेहरा के रूप में यहाँ जनता के सामने हैं, तो आपका इस जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, और अपन पार्टी लीड से हटकर बात करें तो युवाओं के लिए क्या मोटो है? देखिए, निश्चित तौर पे रोजगार की बात तो होती है, पर मैं समझता हूँ आज भी हमारे यहाँ पानी के पीने की बहुत बड़ी समस्या है। आपको ध्यान है कि हमारे समय में हमने नर्मदा के सारे प्रोजेक्ट सेंक्शन करा दिए थे, काम भी शुरू करा दिया था, पिछले 5 साल के राज के अंदर वो प्रोजेक्ट ठप पड़ गया जो पूरा कर देना चाहिए था। पैसे की भी कमी नहीं थी, पानी जाना चाहिए था, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज वापस हमारी सरकार कांग्रेस के राजस्थान में बनी है, निश्चित तौर पर हम उस काम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अच्छी स्कूल्स हो, मॉडल स्कूलें ज़्यादा ज़्यादा बने, केंद्रीय विद्यालय और बने, रोड अच्छे हो, और पीने के पानी की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, लोगों को आवागमन में कोई तकलीफ नहीं हो, ये मूलभूत सुविधाएं चिकित्सा शिक्षा के समेत जो होती है, अगर उस पर हम जोर दे दें तो लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लोग आपको समर्थन देते हैं, आपके लिए जिंदाबाद करते हैं, लोग आपके साथ में खड़े रहते हैं, और उसके बाद हम जीतने के बाद अगर थोड़ा भी नहीं सोचे और केवल घूमते ही रहे और ये बात करें तो कहाँ तक उचित है? हम लोगों को तो विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, हम लोगों को क्या विकास करना है वो करना पड़ेगा, उसी को हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी जब जाके जालौर।